Nothing will go on record. Nothing will go on record. Thank you. Nothing will go on record now. Shriman Jagat Prakash Nadda ji. सभापति महोदय, मैं आज रूल 176 के तहत राम जन्मभूमि के निर्माण पर और प्राण प्रतिष्ठा पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। जब हम राम जन्मभूमि और उसके प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा करते हैं तो मेरे लिए यह कोई किसी विषय पर सिर्फ बोलना ही नहीं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे पवित्र विषय पर इस सदन में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस ऐतिहासिक विषय पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली घड़ी है। यह गौरवशाली पल है, समय है कि हम सब लोग अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए उसकी प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। इस ऐतिहासिक घड़ी के हम पार्ट एंड पार्सल बने, इस ऐतिहासिक घड़ी को हम सब लोगों ने अपने साथ आत्मसात किया, ये ईश्वरीय कृपा के बगैर संभव नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को उस ईश्वर का धन्यवादी होना चाहिए जिसने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम इसके इस मौके पर अपने आप को शामिल करें। 500 साल का लंबा संघर्ष 1528 से लेकर 2023 तक कितने पीढ़ियां बीत गई, कितना समय बीत गया, कितना लंबा संघर्ष चला। हम तो कहते हैं कि राम जी का वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन राम जी का वनवास तो 500 साल का भी हुआ। एक तरीके से उनको टेंट में रहना पड़ा, तकलीफों में रहना पड़ा, और उसके बाद आज जब रामलला अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान होते हैं, यह हम सबके लिए एक ऐतिहासिक घड़ी और गौरवशाली घड़ी। जब हम 500 साल का इतिहास बताते हैं तो वह गुलामी भरा इतिहास, संघर्ष भरा इतिहास है। और जब हम 22 जनवरी 2024 की बात करते हैं तो हम उस दिन को स्पिरिचुअल कल्चरल कॉन्शियंस का रिसर्जेंस का दिन मानते हैं। वह आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण का दिन होता है, यह भी हमको ध्यान रखना है। और ये दिन कोई हजार साल नहीं, कोई 10,000 साल नहीं, सहस्र शताब्दियों तक इस दिन को याद रखा जाएगा, ऐतिहासिक दिन होगा, यह भी हमको याद रखना है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश का संस्कार है, ये इस देश की जीवन पद्धति है, यह इस देश की मर्यादाओं के बारे में चर्चा करने का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ हम सब लोग उनको भगवान राम की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह तो देखते ही हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है इसका भी मार्ग प्रशस्त करते हैं तो भगवान राम का जीवन करता है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और भगवान राम सिर्फ सनातन धर्म में नहीं देखे जाते, अनेक धर्मों के ग्रंथों में राम विराजमान है, अनेक धर्मों के दृष्टि से
राम को लोगों ने अपनाया है और अनेक देशों ने भी राम को अपना माना है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो उसमें भी राम का, अन्य धर्मों की बात करें तो उसमें भी राम का उल्लेख मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम देश के दृष्टि से भी देखें तो थाईलैंड के जो राजा हैं वो किंग ऑफ द, उनको भी हम किंग होल्ड ऑफ द रामा कहते हैं और 10th रामा कहते हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं किंग, उसका टाइटल है द किंग रामा द 10th, ये थाईलैंड में राजा को कहा जाता है, इसके नाम से संबोधित किया जाता है। अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में जो मुस्लिम प्रधान देश है वहां भी रामायण प्रतिदिन ब्रॉडकास्ट होती है वहां के टेलीविजन पे, वह भी सरकारी, उसमें उसको भी हमको ध्यान में रखना। और उसी तरीके से साउथ कोरिया की रानी की वंशावली भी राम से प्रारंभ होती है, यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए हम उसको संकुचित नहीं कर सकते, राम को हम संकुचित दृष्टि से राम को नहीं देख सकते, और हमको उसको विराट रूप में देखना पड़ेगा, एक जीवन पद्धति के रूप में देखना पड़ेगा, यह हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो 500 साल का संघर्ष है इसमें अनेक राजाओं ने संघर्ष किया, जनता ने संघर्ष किया, साधु संतों ने संघर्ष किया, हमारे निहंग भाइयों ने संघर्ष किया, और अभी का ताज़ा ताज़ा संघर्ष हमारा पिछले 30 साल का संघर्ष आप सब लोगों ने देखा है। इस संघर्ष में अगर मैं 500 साल की बात करूं तो हजारों जिंदगियां गई हैं, हजारों ने अपने आप को आहूत किया है, और पिछले 30 साल की भी अगर हम बात करें तो सैकड़ों में लोगों ने अपने आप को आहूत किया इस राम जन्मभूमि को, अपने रामलला को वहां विराजमान करने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, और मैं समझूंगा कि हाउस का भी ये मत होगा कि उन तमाम लोगों ने जिन्होंने संघर्ष में अपना जीवन दिया है उनके प्रति हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। हम सब लोगों ने, जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने 1989 में पालमपुर के प्रस्ताव में इस बात को स्पष्ट किया था कि राम जन्मभूमि पर रामलला का विराट मंदिर बनने के रास्ते को हम प्रशस्त करेंगे, हमने 1989 में कहा था। उस समय लोग बोलते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, और हमने कहा था कि हम अपने प्रस्ताव के माध्यम से बताते हैं कि हम रामलला के मंदिर को बनाने के लिए हम मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और उसको करने के लिए हम सब लोगों ने एक तरीके से एकजुटता होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। ये दीगर बात है कि जब सारा देश एकजुट था, जिसका प्रमाण हमको 22 जनवरी को देखने को मिला, दुनिया एकजुट हुई, सारी दुनिया ने एक माना, तो कुछ लोगों ने अलग राग भी अलापा और अलग तरीके से भी उसको देखने का प्रयास किया, और जब अलग तरीके से देखने का प्रयास किया तो उसमें रुकावटें डाली, रोड़ा डाला, अटकाना, लटकाना, भटकाना, रास्ते से अलग तरीके से ले जाना, ये भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन मुझे वो भी समय याद है, मैं उस समय युवा होता था और युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, जब उस समय हमने वो गोलियां भी देखी, वो लाठियां भी खाई, वो जेल के दर्शन भी किए, वो कार्यालयों की बंदी भी देखी, और वो दिल्ली में जो लोग कहते थे कि परिंदा भी नहीं फटकेगा वहां आंदोलन भी देखा, वो भी हम लोगों ने समय देखा, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जब मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, और मैं, जिसे मैं कहता हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वो सब, जितना वो संघर्ष का काल था वो देखा है। हमने अटल जी का वक्तव्य देखा, हमने अडवाणी जी का संघर्ष देखा, हमने वो लाठियां चार्ज जब हुई वो देखी,
हमने साधु संतों का संघर्ष देखा, लेकिन वही भला जो अंत भला, वो अंत भला हुआ और हम एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस कार्य को हम कर सके हैं। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म ने और देश ने अपने धैर्य का भी पूरा परिचय दिया है। धैर्य के साथ अनेक विपदाएं आई, अनेक समस्याएं आई, हर तरीके की मुसीबतें आई, लेकिन जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे उसी तरीके से तमाम मर्यादाओं को रखते हुए रामलला को विराजमान करने का काम भारत के लोगों ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपना योगदान किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे सम्माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के घर कमलों द्वारा, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। ये सबसे उचित घटना घटी जब भारत का प्रधान सेवक, जब भारत का प्रधान प्रशासक, जो सांसारिक होने के बावजूद भी सारे यम नियमों को मानता हुआ एक सन्यासी का जीवन जीता हुआ वो प्राण प्रतिष्ठा करता है, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। और उनके कर कमलों द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मुझे वो भी समय याद आता है। देखिए काल कैसे बदलता है, समय कैसे बदलता है और विचार भी कैसे बदलते हैं। एक वो समय था जब एक प्रधानमंत्री सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा में जाना अपनी ग्लानी समझते थे, और एक ये भी समय आया जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रघुनाथ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों द्वारा, और उनके बराबर का उचित व्यक्ति प्रधान प्रशासक, प्रधान सेवक और उसके साथ साथ पूरे यम नियम, सांसारिक व्यक्ति रहते हुए भी एक सन्यासी का जीवन जीते हुए, और जिन्होंने गोविंद गिरी जी महाराज ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि यम तो 3 दिन का था लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर यम करने के बाद फॉर 11 डेज जमीन पर सोना, नारियल पानी का सेवन करना, अनेक स्थानों पर जाना जहां जहां राम के जीवन में जिस जिस जगह का स्थान था, फिर चाहे वो गिलहरी का स्थान था या अन्य स्थान थे, सभी पूज्य योग्य स्थान पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जाना, 11 दिन का तप करना और उसके बाद अपने कर कमलों द्वारा उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना, यह अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक समय और दिन को देखने का विषय बनता है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, ये भारत के लिए और हम सब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। हमने कभी इसमें से कोई स्कोर लेने की कोशिश नहीं की है, हमने कोई इसमें से कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की है। मुझे याद है मैं युवा था जब इस विधानसभा में, इस राज्यसभा में कुछ सदस्य होते थे और लोकसभा में हम 2 थे, तब भी राम के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे, और आज 303 हैं तब भी हम राम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी हमने दिन देखा। और फिर चाहे कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ, पहले हाई कोर्ट का हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट का हुआ, 5 जजों के द्वारा एक मत से फैसला हुआ, सभी लोगों ने फैसला किया, उसके बाद शिलान्यास हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। किसी भी ओकेजन पर, किसी भी समय पर कोई भी राजनीतिक वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये देश की अस्मिता को संभाल करके हम लोगों ने, वी नेवर गेव ए पोलिटिकल स्टेटमेंट, वी नेवर ट्राइड टू टेक अ पोलिटिकल एडवांटेज आउट, इट वॉज अवर कन्विक्शन, इट वॉज अवर कमिटमेंट, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया, और कभी भी हम लोगों ने उसमें राजनीति नहीं की, किसी भी तरीके का राजनीतिक बयान नहीं दिया, इसकी हम लोगों ने परिकल्पना को पूरा किया है। मैं जब राम राज्य की बात करता हूँ तो संविधान में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम को अंकित किया है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की है,
और राम राज्य की कल्पना करने में हम लोगों ने हमेशा इस बात की चर्चा की है कि हम किस तरीके से गरीब लोगों की चिंता कर सकें और उनके बारे में हम सोच सकें, उसकी हम चिंता कर सकें, यह हमारे लिए आवश्यक है। और आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूँ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम इस देश पर शासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो हम उसी कल्पना को, राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए लगे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये गांव गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित महिला युवा किसान, इन सब के सशक्तिकरण का, इन सबको ताकत देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों ने और उनके कार्यक्रमों ने किया है, उसको अमली जामा पहनाया है, उसको ताकत दी है। हमने सभी जातियों को जोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने सबको साथ लेकर के चलने की बात की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और अगर मैं उज्ज्वला की बात करूं, क्या वो किसी धर्म के लोगों को मिल रहा है? क्या वो किसी जाति के लोगों को मिल रहा है? क्या वो किसी जाति की महिलाओं को मिल रहा है? क्या यह किसी वर्ग को मिल रहा है? वो सबका साथ सबका विकास का स्पिरिट है, इसको हमको समझना चाहिए। वो उजाला योजना, वो सौभाग्य योजना, कभी हम लोगों ने सौभाग्य योजना में वो 2.5 करोड़ घरों को देखा कि किस जाति के हैं? वो उजाला योजना, हमने कभी सोचा कि यह 18,000 गांव किस जातियों के गांव हैं? हमने कभी नहीं सोचा। सबके विकास के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब जब मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बोलता हूं तो 80 करोड़ की जनता, यह किसी जाति की है क्या? यह किसी धर्म की है क्या? सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, जो गरीब है उसकी चिंता की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह राम राज्य की कल्पना को साकार किया, यह राम राज्य की कल्पना को साकार करने का काम किया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि आज 25 करोड़ लोग इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, उनको उसमें से निकलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों की बात तो बहुत लोगों ने की लेकिन कब किसान की चिंता हुई? आज हर चौथे महीने किसान के घर पे उसके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए जमा होता है और संख्या कितनी है? 11,78,00,000 किसानों के उसमें जमा होती है, लगभग 2,50,00,000 रुपए से ज्यादा किसानों के खातों में जा चुका है। ये किसान की चिंता हुई। स्वच्छता अभियान, मुझे याद है राम मनोहर लोहिया जी बोला करते थे, मुझे शर्म आती है जब मेरी जीप चलती है तो उसके आगे मैं नेशनल हाईवे पर देखता हूं कि झुंड की झुंड महिलाएं लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए जाती हैं। ये 66 में कहा था उन्होंने, किसी ने चिंता नहीं की। और जब लाल किले के प्राचीर से चर्चा की स्वच्छता अभियान की प्रधानमंत्री जी ने, तो लोगों ने खिल्ली उड़ाई। लेकिन वही स्वच्छता अभियान ने आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया है, लाइफ विद डिग्निटी दी है और महिला का सशक्तिकरण, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया। और महिलाएं नहीं आई सिर्फ, महिलाओं के साथ 12 करोड़ बच्चे भी आए, 12 करोड़ परिवार भी आए, लाइफ विद डिग्निटी जीने का अधिकार उनको मिला, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे यहां जब मैं राम राज्य की कल्पना की बात करता हूं और जब मैं बोलता हूं सभी गरीब की चिंता होनी चाहिए, सभी लोगों की चिंता होनी चाहिए, यहां बहुत से मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, कभी कभी ये एमएलए रहे होंगे, हम लोगों में से भी बहुत से लोग एमएलए रहे होंगे, हम क्या चिट्ठी लिखा करते थे? आप भी सभापति महोदय लंबे समय सांसद रहे, उन दिनों हम क्या चिट्ठी लिखते थे? प्रधानमंत्री जी, इस व्यक्ति के हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसमें 1,25,000 रुपये खर्च होने हैं, ये बहुत गरीब परिवार का है, इसके आर्थिक सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है, कृपया आप अपने प्रधानमंत्री राहत कोष से इसको 1,50,000 रुपए देने की कृपा करें, अनुशंसा करें, कृपा करें, ये चिट्ठियां हम लिखा करते थे।
दस चिट्ठियां लिखते थे, 12 चिट्ठियां लिखते थे, 2 पर सैंक्शन होता था, 10 रह जाते थे, मालूम नहीं क्या होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमें कुछ बड़ा सोचना है, और आज मुझे खुशी होती है कि 10,74,00,000 परिवार, 10,74,00,000 फैमिलीज, 55 करोड़ पीपल, 55 करोड़ लोग, जो भारत की आबादी का 40% बनता है, 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इनको 5,00,000 रुपए का हर साल सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने का, इलाज करने के लिए आज व्यवस्था की। कभी सोचा था आयुष्मान भारत? और कौन लोग हैं ये, मैं बार बार बोलता हूं, ये गरीब लोग हैं, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, क्लीनर, बाल काटने वाला, जूते का काम करने वाला, ऐसे गरीब लोग बेचारे जो अपने गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर सकते थे, उनको आयुष्मान भारत में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और वह भी हम सबके ध्यान में है। ये हर घर जल, ये क्या एक तरीके से हम लोगों ने नई आज़ादी नहीं देखी क्या? आप सब लोगों में बहुत से लोग शहर के रहने वाले होंगे, आप लोगों को शायद इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन मैं तो पहाड़ी प्रदेश से आता हूँ, वैसे तो महाराष्ट्र के भी बहुत से सूखे इलाके आपने देखे होंगे, गुजरात में भी देखे होंगे, बाकी सब जो भी जगह देखे होंगे, आपने राजस्थान में भी देखा होगा, आपने अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा, लेकिन मेरे पहाड़ी इलाके में बहनें 2-2 किलोमीटर पहाड़ से उतर करके नीचे आती थी और एक घैला पानी लेकर के फिर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ती थी और दिन का गुजारा करती थी। ये भी ज़माना हमने देखा है, और आज मुझे खुशी होती है कि आज हर घर नल, हर घर जल, ये पहुंचाने का निर्णय लेकर के इसको भी पूरा करने का काम जो है उसको करने का काम किया गया है। हमने क्यों, आप घटनी की बहुत जल्दी हो रही है, अच्छी बात सुनने के लिए थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा, मैं तो सबको शांति से सुनता हूँ। नहीं, वो समय पर बजती है, हमारी पार्टी का टाइम है, हम जानते हैं, वैसे बहुत बहुतों की घंटी हम बजा चुके हैं। राम राज्य नहीं चाहिए। जहां तक नारी शक्ति का बंधन का सवाल है, 30 years दिस पार्लियामेंट वेटेड, 30 years, एंड इट इज अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दैट विद इन 3 days नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया और वह नारियों को शक्ति मिल गई, यह भी हमने देखा। अगर मैं किसान की बात करूं, फर्टिलाइजर की बात करूं, तो किसी के ध्यान में ही नहीं था कि नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से हम किसानों को ताकत दे सकते हैं, और अब तो हम नैनो फर्टिलाइजर की तरफ जा रहे हैं, जहां बोरी के जगह पर एक छोटी सी बोतल में वो फर्टिलाइजर आएगा। एक क्रांति के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जनधन योजना का मजाक उड़ाया गया, मैं यहां ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, मिसेस गांधी ब्रॉट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1971-72 और कहा था कि गरीबी की चिंता होगी, गरीबों की चिंता होगी और बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खुले रहेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, इन 1971 से लेकर के 2014 तक बैंक के दरवाजे की चौखट को क्रॉस करने वालों की संख्या 3.25 करोड़ थी, सिर्फ 3.25 करोड़, और आज मैडम निर्मला सीतारमन जी में करेक्ट, लेकिन आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते खुले हैं गरीब लोगों के, यह परिस्थिति, और ये इस बात को बताता है, ये जनधन खाते के माध्यम से हमारी 25 करोड़ बहनों को कोरोना के टाइम पर 500-500 रुपए उनके घरों में, उनके खातों में पहुंचा, अनइमेजिनेबल। तो वह भी हम लोगों ने देखा। उसी तरीके से श्रमिक लॉज के दृष्टि से जो कल्याण हुआ है उसको भी हम लोगों ने देखा। अनेक स्कीमों के माध्यम से सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। और जब मैं राम राज्य की कल्पना की बात करता हूं, तो एक बात और ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, और हमारे बहुत से विद्वान, हमारे विपक्ष के नेतागण भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। कोरोना में दुनिया के देशों ने अपने आप को असहज और असहाय समझा और देखा, लेकिन यह भारत अकेला था जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
डिसाइसिव डिसीजन लेकर के इस देश को कोरोना से बचाने का काम किया तो भारत वेस्ट कुड नॉट डिसाइड वेदर इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट और ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट. वेस्ट कुड नॉट डिसाइड. ईस्ट जापान एंड अदर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कुड नॉट डिसाइड बट इंडिया कुड डिसाइड. हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है और इसीलिए समय पर लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया. और जब देश तैयार हो गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, अब दोनों की चिंता है. मैं स्वास्थ्य मंत्री रहने का मुझे सौभाग्य मिला है. मुझे मालूम है सभापति जी, इस देश में नेशनल प्रोग्राम पर पोलियो का बनने में 26-27 साल लग गए, ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को बनने में 28 साल लग गए, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इंजेक्शन आने में 100 साल लग गए. 1906 में इंजेक्शन आ गया था जापान में और भारत में पहुंचा वो 2006 में और 2012 में 14 में आकर के वो नेशनल प्रोग्राम बना. ये स्थिति आकर के खड़ी रही. लेकिन जब कोरोना आया तो 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दी और डबल डोज के साथ बूस्टर लगा करके 220 करोड़ लोगों को उनको इस दृष्टि से वो किया गया. ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि राम राज्य की कल्पना को लेकर के हम चले हैं. धारा 370, ट्रिपल तलाक, ये सब किसी ने कहा था कि ये घिस घिस के घिस जाएगा, उनकी राजनीति घिस गई पर 370 नहीं घिसा. उसको घिसने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इच्छा शक्ति लगी तब जाकर के धारा 370 गई. और उसी तरीके से ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. हमारे सामने शाबानों का केस भी है. आज ये राम राज्य के तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है कि ट्रिपल तलाक में हमारी मुस्लिम बहनों को भी आज़ादी के साथ जीने का अधिकार मिला है. इस बात को भी हम ध्यान में रखें. अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये ऐतिहासिक पल है जब रामलला विराजे हैं और ये जो स्पिरिचुअल कॉन्शियंस का रिसर्जेंस हुआ है, ये जो कल्चरल कॉन्शियंस का रिसर्जेंस हुआ है, ये आध्यात्मिक चेतना का जो रिसर्जेंस हुआ है, ये 22 जनवरी को सदा सदा याद किया जाएगा. और प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति का भी इसमें परिचय हम सबको मिलेगा, ये मैं कहना चाहूँगा. मैं ज़्यादा और ना कहता हुआ क्योंकि आज खुशगड़ी है, लेकिन मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें फैसला करना चाहिए. अब कई बार लोगों से बोलते हैं तुमने 22 जनवरी को कांग्रेस इवेंट बना दिया, बीजेपी इवेंट बना दिया. मैं पूछता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी कहाँ था उस कार्यक्रम में, बीजेपी का कौन था वहाँ? वहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जो भारत के प्रधानमंत्री, वो तो न्यास ने किया, इट वॉज नॉट ए बीजेपी इवेंट. लेकिन हाँ, अगर किसी का कर्म उसको कचोटे और वह उसमें शामिल होने से रह जाए तो मैं क्या करूं? तो हम क्या कर सकते हैं? इस दुविधा के बारे में हमको सोचना चाहिए. और मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहूंगा, राम नाम कड़वा लगे मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम. जोर से बोलो जय सिया राम. Leader of the House.